नमस्कार दोस्तों, मैं मोनिका अग्रवाल आपका स्वागत करती हूँ भक्ति वंदना चैनल से। और जानते हैं आज का राशिफल सभी राशियों के लिए। मेष राशि वालों का आज दूसरों के साथ खुशी बांटने से सेहत और खिलेगी। निवेश की योजनाएं भी आप बना सकते हैं, आपको कुछ नई योजनाएं आकर्षित कर सकती हैं, लेकिन उनके बारे में कोई भी कदम उठाने से पहले उसको डीपली एनालाइज कर लें, बिना सोचे समझे कोई कदम ना उठाएं। अगर आप घरेलू जिम्मेदारियों को अनदेखा करेंगे तो कुछ लोग आपसे नाराज़ हो सकते हैं। और आपके नए प्रेम संबंध बनने की संभावना भी ठोस है, लेकिन व्यक्तिगत और गोपनीय जानकारियों को उजागर करने से बचें। जो आपकी सफलता में आड़े आ रहे हैं वो आपके सामने ही नीचे गिरेंगे और आप ये देखेंगे, यानी कि उनको उनके कर्मों का फल मिलेगा और आज आपको ये चीज़ पता चलेगी। बहुत कम लोग आपके आज जो अट्रैक्शन है या जो चरिश्मा है उसका राज जान पाएंगे, मतलब कि आज आप काफ़ी चैरिमेस्टिक एंड आकर्षित रहेंगे, लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे, आपकी बातों से लोग इम्प्रेस होंगे। और शादीशुदा ज़िंदगी के लिए भी दिन आज का अच्छा है। आज का उपाय क्या है, मतलब आज आप क्या कर सकते हैं? सफ़ेद धोती काले किनारे वाली किसी साधु संत को दान देने से आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर होगी। वृषभ राशि वाले, लंबी यात्रा के लिहाज से आपकी सेहत और ऊर्जा स्तर में सुधार जो आपने करे हैं वो काफ़ी फायदेमंद रहेंगे। व्यस्त दिनचर्या के बावजूद आप थकान के चंगुल से फंसने से बचे रहेंगे। आप कुछ धन अर्जित कर सकते हैं, किसी जरिए से आपको और धन भी मिल सकता है जो कि आपने सोचा ना हो, इससे आप खुश महसूस करेंगे। और आप आज कुछ अपने एंटरटेनमेंट या घूमने फिरने में टाइम निकाल सकते हैं। आपके लव मैरिज या फिर मैरिज से रिलेटेड जितने भी कंसर्न्स हैं वो आपके आज सॉल्व होंगे। आप थोड़ा सा रोमांटिकली अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं। जो स्टूडेंट्स हैं उनको उनके इच्छित परिणाम मिलेंगे। और आप आज अपने किसी आध्यात्मिक गुरु से सलाह भी ले सकते हैं। आज के दिन आप क्या खास कर सकते हैं, पीले सूरजमुखी के पौधे घर में लगाने से नौकरी व बिजनेस में तरक्की होगी। मिथुन राशि वाले, आज अपने झगड़ालू स्वभाव को काबू में रखें, नहीं तो रिश्तों में दरार आ सकती है और रिश्तों में खटास पैदा हो सकती है। इससे बचने के लिए आप अगर अपने नज़रिए में थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी और खुलापन अपनाएंगे तो आपको फ़ायदा होगा। खर्चों में इजाफा होगा लेकिन साथ में आमदनी भी होगी। घरेलू मोर्चे पर समस्या खड़ी हो सकती है, इसलिए थोड़ा सा तोल मोल के बोलें, किसी को भी अपनी बातों से आहत ना करें। प्रेम संबंधों में आपको आशा की नई किरणें नज़र आएंगी। अगर आज आप यात्रा कर रहे हैं तो आपको अपने सामान की अतिरिक्त सुरक्षा करने की ज़रूरत है। पारिवारिक विवादों के कारण आज अपना वैवाहिक जीवन आप प्रभावित कर सकते हैं। आज के दिन आप क्या खास उपाय कर सकते हैं, हनुमान जी को गुड़ चने का प्रसाद चढ़ाने से आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। कर्क राशि वाले, आज घर और दफ्तर में कुछ दबाव आपको गुस्सैल बना सकता है। कुछ खरीदने से पहले उन चीज़ों का इस्तेमाल करें जो आपके पास पहले से हैं, यानी कि फिजूल खर्ची बिल्कुल भी ना करें। आप अपने परिवार के साथ रूखा व्यवहार ना करें, वरना आपको आपके परिवार का सपोर्ट नहीं मिलेगा और आप और अकेलापन महसूस करेंगे। किसी भी छोटी मोटी बात को लेकर आप अपने जीवन साथी के साथ नोकझोंक ना करें, क्योंकि नोकझोंक होने के चांसेस हैं। अगर आप बिजनेस में हैं या जॉब में हैं, कोई भी काम अगर पार्टनरशिप में आप करते हैं तो उससे आपको फ़ायदा मिलेगा। स्टूडेंट्स को आज कंसंट्रेशन हाई लगेगा, उनका पढ़ाई में ज़्यादा दिमाग लगेगा। यात्रा और भ्रमण वगैरह ना सिर्फ आनंददायक सिद्ध होंगे बल्कि शिक्षाप्रद भी रहेंगे। जीवन साथी के रिश्तेदारों का दखल वैवाहिक जीवन को संतुलन बिगाड़ सकता है, लेकिन आपको बहुत ही संयम बना के रखना है और अपने बिहेवियर को, गुस्से को कंट्रोल रखना है। आज आप क्या कर सकते हैं, अगर आप आज विडो लोगों की यानी कि गरीब विधवाओं की मदद करते हैं तो उससे आपको स्वास्थ्य में फ़ायदा मिलेगा। सिंह राशि वाले, आज आशावादी बने और उजले पक्ष को देखें।
लाइट की तरफ अगर आपका रुझान रहता है तो आपको ज़्यादा अच्छा रहेगा इंस्टेड ऑफ डार्कनेस, यानी कि जो बुरी चीज़ें अपनी लाइफ में उनको त्याग कर जो अच्छी चीज़ें हैं उनकी तरफ देखें। प्राप्त करा हुआ धन आपकी उम्मीद के मुताबिक नहीं होगा, आपको थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट हो सकता है। आपके पारिवारिक सदस्य को तय नहीं करने दिया जाएगा कि आपको दिन में क्या करना है, मतलब कि उनकी मर्ज़ी ज़्यादा चलेगी, परिवार की मर्ज़ी आप पे ज़्यादा चलेगी। और अपने दोस्तों से बहुत लंबे समय बाद मिलने का ख्याल आ सकता है आपके दिल में और आप उनसे मिलने भी जा सकते हैं। सोच समझ कर कदम बढ़ाने की ज़रूरत है। जहाँ दिल की ज़रूरत हो वहाँ दिमाग का ज़्यादा इस्तेमाल मत करें, जहाँ दिमाग की ज़रूरत हो वहाँ दिल का ना करें, तो बहुत ही संतुलित रहे। आज के दिन आपके और आपके जीवन साथी के लिए गहरी आत्मीयतापूर्ण बातों का सही समय है। आज के दिन आप क्या खास कर सकते हैं, सफ़ेद संगमरमर मरी पत्थर पर सफ़ेद चंदन लगाकर जल प्रवाहित करने से पारिवारिक जीवन अच्छा रहेगा, यानी कि सफ़ेद मार्बल पे अगर आप सफ़ेद चंदन लगाते हैं और फिर उसको जल में प्रवाहित करते हैं तो आपका पारिवारिक जीवन में आपको लाभ मिलेगा। राशि वाले आज मानसिक तौर पे स्थिर महसूस नहीं करेंगे, उनको कोई टेंशन या मेंटल परेशानी बनी रहेगी जिससे आप काफ़ी डिप्रेस महसूस कर सकते हैं और गुस्सा भी आपको आ सकता है और आप उसमें आकर कोई गलत डिसीजंस भी ले सकते हैं। दूसरों के बर्तावों को अपने पे हावी ना होने दें, जो आपका दिल कहता है जो आपका दिमाग कहता है वही करें आप। लेकिन पैसों के लिए आज का दिन अच्छा है, आप आसानी से पैसे कमा सकेंगे, जो भी काम आप करेंगे उसमें आपको डबल रिजल्ट्स मिलेंगे और बहुत ही ईजली मनी आपके पास आएगा। थोड़ा सा आप रोमांटिक महसूस करेंगे लेकिन आपके जीवन साथी की तरफ से आपको वो सेम फीलिंग्स नहीं रेसिप्रोकेट होंगी जिससे आप थोड़ा सा हताश महसूस कर सकते हैं, लेकिन आप उनको अगर समझेंगे, उनकी भावनाओं को समझेंगे, उनके हिसाब से चलेंगे तो आप दिन अच्छा निकाल सकते हैं। आज आपको महत्वपूर्ण मामलों पर ध्यान लगाने की ज़रूरत है। आपका जीवन साथी आपके सेहत के प्रति असंवेदनशील हो सकते हैं जो कि आपको और परेशान कर सकते हैं, तो आप आज क्या उपाय कर सकते हैं, हल्दी गांठ, केसर, पीला चंदन और पीली दाल का अधिक सेवन करने से आपकी सेहत अच्छी बनेगी। तुला राशि वाले आज शांत और तनाव रहित रहेंगे, घरेलू सुख सुविधा की चीज़ों पर ज़रूरत से ज़्यादा खर्चा ना करें। आपकी भरपूर ऊर्जा और ज़बरदस्त उत्साह सकारात्मक परिणाम लाएगा और घरेलू तनाव को दूर करने में मददगार साबित होगा। अगर आप अपने लव पार्टनर को सही समय या पूरा समय नहीं दे पा रहे हैं तो वो नाराज़ हो सकता है, इसलिए थोड़ा सा टाइम निकाल के अपने लव पार्टनर को दीजिए। आज किए गए निवेश काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होंगे लेकिन भागीदारी से विरोध का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन हो सकता है कि आपके पार्टनर आपकी बातों से सहमत ना हो, लेकिन आप वही करिए जो आपको ठीक लगता है, जो आपको लगता है कि ठीक है। आपका जो आज का व्यक्तित्व है वो लोगों को अट्रैक्ट करेगा, आप जिंदा दिल रहेंगे। कोई रिश्तेदार अचानक आपके घर आ सकता है जिसके चलते आपकी योजनाएं गड़बड़ हो सकती हैं और आपको थोड़ा इरिटेट कर सकती हैं। आज आप क्या कर सकते हैं, किसी वृद्ध ब्राह्मण को अगर आप आज भोजन कराते हैं तो उससे आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर होगी। वृश्चिक राशि वालों को आज तरोताजा होने के लिए अच्छी तरह से आराम करने की ज़रूरत है, आप थोड़ा थकान महसूस करेंगे, कुछ टाइम अपने लिए निकाल के आप आराम करें। अगर आपको लग रहा है कि आपको एक्स्ट्रा नींद चाहिए, एक्स्ट्रा आराम करना है तो वो करिए। हर निवेश को सावधानी पूर्वक अंजाम दें और गैर जरूरी नुकसान से बचने के लिए उचित सलाह लें। किसी घर में किसी बड़े की सलाह लेके काम करते हैं तो आपको फ़ायदा होगा। घरेलू ज़िंदगी में कुछ तनाव का सामना करना पड़ सकता है, आपके जीवन साथी के साथ कुछ मनमुटाव हो सकता है या आपको वो आहत कर सकते हैं। आप अपने जज्बात का इजहार करने में मुश्किल महसूस करेंगे। दफ्तर में काम में कुछ अड़चने, कुछ ऑब्स्टिकल आने की संभावना है, कुछ छुपे हुए दुश्मन आपके बारे में गॉसिप्स या अफवाह कर सकते हैं। आपके जीवन साथी थोड़ा अजीब व्यवहार कर सकते हैं लेकिन अपने पेशेंस को टूटने ना दें, क्योंकि पेशेंस ही आपको आपके रिलेशन को बचाने के लिए काम आएगा। क्या उपाय आप कर सकते हैं, सरसों के तेल में अपना चेहरा देखें और उस तेल के गुलगुले बनाकर पक्षियों में डालने से आर्थिक स्थिति अच्छी होगी। यानी कि सरसों का जो तेल होता है उसको एक बर्तन में ले लें, उसमें आप अपना चेहरा देखें और फिर
उसमें आप कुछ आटा मिलाकर और उसके गुलगुले बनाएंगे और पक्षियों को डालेंगे तो आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर होगी। दूसरा आप उपाय ये कर सकते हैं कि आप सरसों का तेल में चेहरा देखकर उस तेल को दान कर दें, उसको छाया दान भी कहते हैं, शनिवार के दिन होता है वो। धनुराशि वाले, आज ऑफिस में स्ट्रेस एंड टेंशन होने की वजह से आपकी हेल्थ पे असर पड़ सकता है। केवल एक दिन को नज़र में रखकर जीने की आदत पे काबू करें और ज़रूरत से ज़्यादा वक्त व पैसा मनोरंजन पे खर्च ना करें। तनाव का दौर बरकरार रहेगा लेकिन पारिवारिक सहयोग मिलेगा। याद रखिए कि आप झूठ आप मुंह से बोल सकते हैं, आंखों से नहीं, इसलिए आज आपके झूठ पकड़े जाने की बहुत संभावना है। और लव लाइफ में थोड़ा सोच समझ के कदम उठाएं क्योंकि आपको धोखा मिल सकता है। कोई भी फैसला लेने से पहले दूसरों की ज़रूरतों को भी समझने की कोशिश करें, केवल सेल्फिश ना बने। चीज़ों और लोगों को तेज़ी से परखने की क्षमता आपको आज थोड़ी बढ़ानी पड़ेगी। संभावना है कि आपके और आपके जीवन साथी के बीच तनाव बढ़ जाए, इससे बचाव ना करने की स्थिति में दूरगामी परिणाम अच्छे नहीं होंगे। आप क्या उपाय कर सकते हैं? पीपल के वृक्ष पर जल चढ़ाने से आपको सेहत और परिवार में सफलता मिलेगी। मकर राशि वाले, आज पेशेंस बना के रखें। पेशेंस को बिल्कुल भी कम ना होने दें क्योंकि आपकी समझदारी और प्रयास आपको सफलता ज़रूर दिलाएगी। आज अगर आप दूसरों की बात मानकर निवेश करेंगे तो आपको आर्थिक नुकसान हो सकता है, इसलिए बिल्कुल भी अपनी इंट्यूशन को अवॉइड ना करें और अपनी इंट्यूशन से ही काम करें। पारंपरिक रस्में या कोई पावन आयोजन घर पर किया जा हो सकता है जिसमें आप भाग ले सकते हैं और आपको अच्छा भी महसूस होगा। लव लाइफ के लिए आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है कि अगर आप ये रिलेशनशिप रखना चाहते हैं तो आपको कुछ बातें माफ़ करनी पड़ेंगी, कुछ बातों को अवॉइड करना पड़ेगा। कार्य क्षेत्र में आपको हर कोई गंभीरता से सुनेगा, लोग आपकी बातें सुनेंगे, आपकी प्रशंसा करेंगे, आपको एडमायर करेंगे। सोच समझ के थोड़ा कदम बढ़ाइए, खासकर बिजनेस के मामले में। जहाँ दिल की बजाय दिमाग का इस्तेमाल करना चाहिए वहाँ दिमाग का इस्तेमाल करिए। आपके जीवन साथी के लिए और आपके लिए यानी कि लव लाइफ के लिए थोड़ा सा आज आप टाइम स्पेंड करेंगे, आपको अच्छा भी रहेगा। आज आप क्या उपाय कर सकते हैं? आर्थिक उन्नति के लिए घर में केले का पेड़ लगाएं और उसकी सेवा अच्छे से करें, इससे आपको फ़ायदा मिलेगा। कुंभ राशि वाले, अनचाहे ख्यालों को दिमाग पर कब्जा ना करने दें। शांत और तनाव रहित रहने की कोशिश करें, इससे आपकी मानसिक दृढ़ता बढ़ेगी। रियल एस्टेट और जो स्टॉक मार्केट है उसके लिए दिन अच्छा है, उसमें आप आज इन्वेस्ट कर सकते हैं। दिन के दूसरे हिस्से में आप आराम करना और परिवार के साथ समय बिताना पसंद करेंगे। अपने पार्टनर, लव पार्टनर की जो गैर जरूरी इमोशनल नीड्स हैं उनके सामने घुटने बिल्कुल भी ना टोकें, उनके इमोशनल बातों में ना आएं और उनकी अननेसेसरी बातें ना करें क्योंकि वो आपको मैनिपुलेट कर सकते हैं जो आपको बाद में प्रॉब्लम देगा। सेमिनार और प्रदर्शनी यानी कि सेमिनार्स या किसी तरह की कोई एग्जीबिशंस में आप जा सकते हैं। आपके जीवन साथी की मांगें आपको तनाव का कारण बन सकती हैं। तो आज के दिन आप अपनी लव लाइफ के लिए क्या कर सकते हैं? लव लाइफ को बेहतर रखने के लिए गुलाब के फूलों का गुलदस्ता तांबे के जार में घर में रखेंगे तो आपको फ़ायदा होगा। मीन राशि वाले, आज आप अपनी उम्मीदों को लेके ज़्यादा ही इमेजिनेटिव एंड ज़्यादा ही ड्रीमी रहेंगे। आपको प्रैक्टिकल एंड रियल वर्ल्ड में आने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा इमेजिनेशन एंड ड्रीमी वर्ल्ड में ना रहें क्योंकि ड्रीम्स को अगर आप एक्शन में नहीं डालेंगे तो कुछ भी पूरा नहीं होगा। आप अपना कोई आर्थिक योजनाएँ भी बना सकते हैं। कुछ फैसला करने से पहले अच्छाइयों और बुराइयों दोनों को एनालाइज कर लें, किसी भी इंसान के बारे में फैसला करने से पहले। आपको चिंता मुक्त होने में आपके दोस्त आपके काम आएंगे, मतलब अपने दोस्तों के साथ आप अच्छा समय व्यतीत कर सकते हैं और उनकी सलाहें आपको टेंशन फ्री रखने में हेल्प करेंगी। साझेदारी और व्यापार में हिस्सेदारी वगैरह से दूर रहें। आपकी जीवन साथी आपकी ज़रूरतों को अनदेखा कर सकते हैं, इसलिए आप उन पर डिपेंडेंट ना रहें और बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन ना करें, नहीं तो वो आपको चिड़चिड़ा भी आपका स्वभाव रह सकता है। आज के दिन आप क्या उपाय कर सकते हैं? नौकरी व बिजनेस में तरक्की हेतु धार्मिक विचार, ईश्वर पे आस्था और परोपकार की भावना को अपने अंदर जितना आप बढ़ावा देंगे उतना आपको फ़ायदा होगा।